हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न इजी। तो आज हम फिजिक्स में लेके आए भौतिक विज्ञान भाग एक। इसके पहले आप लोग पढ़ रहे थे भौतिक विज्ञान भाग दो, जिसमें तीन चैप्टर आपके क्लियर हो गए। तो बच्चों के डिमांड के आधार पे हम आज लेके आए हैं भौतिक विज्ञान भाग एक। भौतिक विज्ञान भाग एक में टोटल आपको 12 चैप्टर पढ़ना है और 12 चैप्टर को 5 यूनिट में निर्धारित किया गया है, जिसकी पहली यूनिट है जिसका नाम है स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस यूनिट में 4 चैप्टर हैं जो बोर्ड के एग्जामिनेशन में 8 नंबर में आएंगे। तो अगर हम औसत निकाले तो एक चैप्टर कम से कम 2 नंबर का आएगा, यानी कह सकते हो कि हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा चैप्टर है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम। तीसरा चैप्टर है वैद्युत विभव, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और चौथा चैप्टर संधारित्र तथा परावैद्युत, कैपेसिटर एंड डाइइलेक्ट्रिक। इस चारों चैप्टर में कुछ चीजें ऐसी है जो कक्षा 9 और 10 में पढ़ाया गया, जैसे वैद्युत किसे कहेंगे, धारा क्या होती है, वैद्युत आवेश धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा, वैद्युत आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल वैद्युत बल कहलाएगा। तो वैद्युत बल के 2 प्रकार होंगे, वैद्युत आकर्षण और वैद्युत प्रतिकर्षण। अब आकर्षण बल काम कब करेगा, जब आवेश विजाती है। विजाती का मतलब एक पर प्लस दूसरे पर माइनस, या पहले पर माइनस दूसरे पर प्लस, तो इसको कहते हैं विजाती आवेश। विजाती आवेशों के बीच आकर्षण बल काम करता है, जबकि सजाती यानी दोनों प्लस हो या आपके दोनों माइनस हो, तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो तो इसको हम विजाती आवेश बोलेंगे। विजाती आवेशों में प्रतिकर्षण बल काम करेगा, यानी कण एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो आकर्षण बल का नेचर क्या है, प्रतिकर्षण बल का नेचर क्या है, और उस संबंध में कूलाम का नियम क्या है। तो कूलाम ने यह नियम दिया कि अगर 2 बिंदु आवेश है, सपोज मान लीजिए ये 2 बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश है Q1, दूसरा बिंदु आवेश Q2, तो आवेशों के बीच कौन सा बल काम करेगा, वैद्युत बल। अब ये वैद्युत बल का मान हम कराएंगे कि वैद्युत बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं, जो किसके नियम से मिलता जुलता है, न्यूटन। कक्षा 11 में आप न्यूटन का नियम पढ़े, कक्षा 9 या 10 में भी न्यूटन का पढ़े होंगे कि अगर 2 आकाशीय पिंड है, सपोज मान लीजिए ये 2 का आकाशीय पिंड है, पहले का द्रव्यमान M1 दूसरे का द्रव्यमान M2, तो 2 आकाशीय पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इसे ही कहते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण। तो कूलाम का नियम एकदम न्यूटन के नियम से मिलता जुलता है, बस अंतर है कि कूलाम का नियम आवेश पर लागू होगा जबकि न्यूटन का नियम द्रव्यमान पर लागू होगा। कूलाम के नियम से जो बल होगा वो वैद्युत आकर्षण भी हो सकता है, वैद्युत प्रतिकर्षण भी होगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होगा। तो इस पहले वाले चैप्टर में कूलाम का नियम हम बताएंगे, उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की हम कल्पना करेंगे। वैद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे, मतलब किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आए तो जो पहले से आवेश है उस पर आकर्षण बल लगा दे या प्रतिकर्षण। तो आकर्षण बल लगाए या प्रतिकर्षण बल लगाए उसको हम कहते हैं वैद्युत बल। तो आवेश के आने से दूसरे आवेश पर अगर आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगेगा तो उसके चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र, और उस क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इन चीजों का हम डिस्कस कराएंगे। इसके बाद हम बताएंगे उसमें कि मान लीजिए एक ऐसा निकाय है जिसके एक सिरे पर प्लस और दूसरे सिरे पर माइनस, तो इसको हम नाम देते हैं डाइपोल। एक निकाय जो 2 विपरीत आवेशों से मिलकर बनता है उसको कहते हैं डाइपोल। डाइपोल में 2 स्थिति बताई जाएगी, अक्षी और निरक्षी। अक्षी का मतलब उसके अक्ष पर स्थित हो, निरक्षी का मतलब उसके अक्ष को छोड़ दे, यानी बिंदु
अगर इसके अक्ष पर है तो ये कंडीशन होगी और निरक्ष पर है तो ये ऊपर वाली कंडीशन होगी, यानी अक्षी के लिए कोण होता है जीरो और निरक्षी के लिए कोण कितना हो गया 90, या अक्षी के लिए कोण कह सकते हो 180 अगर विपरीत डायरेक्शन में है तो, सेम डायरेक्शन में है तो जीरो और निरक्षी के लिए हो जाएगा 90। इसके बाद हम आपको वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय बताएंगे। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स का मतलब होता है कि वैद्युत आवेश के चारों ओर जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी उन बल रेखाओं की संख्या को ही कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। कोई वैद्युत आवेश है उसके चारों जितनी वैद्युत बल रेखाएं होंगी उसी को कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत बल रेखा से क्या मतलब है? वैद्युत बल रेखा से मतलब है कि वैद्युत आवेश के चारों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा वैद्युत बल रेखाएं हैं। अगर वैद्युत बल रेखा पास पास है तो वहां वैद्युत बल प्रबल, और वैद्युत बल रेखा दूर दूर है तो वहां वैद्युत बल दुर्बल होगा। वैद्युत बल रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि अगर काटेगी तो वहां दो स्पर्श बनेगी जिसको प्लेन ऑफ पेपर पे खींच पाना संभव नहीं है। तो इन चीजों का आप लोगों को डिस्कस कराया जाएगा, उसमें गॉस का प्रमेय बताया जाएगा किसके लिए? वैद्युत फ्लक्स के लिए। उसके बाद वैद्युत विभव क्या है? विभव का मतलब क्या होता है? विभव का मतलब आवेशित कण पर आवेश की मात्रा से। अगर आवेश की मात्रा अधिक होगी तो विभव अधिक होगा, जिसका सूत्र हम बताएंगे भी बराबर 1/4π0Q/r। यानी आवेश अगर धनात्मक तो विभव धनात्मक, और आवेश अगर ऋणात्मक तो विभव का मान क्या होगा? ऋणात्मक। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आवेश धन है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आंकिक मान धनात्मक होगा, ऋण है तो भी उसका मान धनात्मक ही लेंगे, बस दिशा बदल जाएगी। तो उसका डिस्कस जब आपको चैप्टर डिटेल करेंगे तो हम बताएंगे। तो वैद्युत बल, अब वैद्युत बल के मान को निकालेंगे। वैद्युत बल का मान किसके लिए? डाइपोल। डाइपोल की दो स्थिति अक्षी और निरक्षी, तो अक्षी स्थिति में कितना होगा, निरक्षी स्थिति में कितना होगा, इन चीजों का हम डिस्कस कराएंगे। इसके बाद आप लोग को संधारित्र तथा परावैद्युत पढ़ाया जाएगा। कैपेसिटर सभी लोग देखे होंगे, पंखे का जो कंडेंसर होता है उसी को हम बोलते हैं कैपेसिटर। पंखे की स्पीड को बढ़ाने के लिए उसमें देखते हो कि एक वाइट कलर का, इस प्रकार का एक वाइट कलर का ऐसा आपका एक पात्र लगा होता है जिससे पंखे की स्पीड बढ़ जाती है, तो इसको बोलते हैं कंडेंसर। तो संधारित्र ही कंडेंसर है जिसकी धारिता होती है सी। अगर एक से अधिक मान लीजिए है तो C1, C2, अब इसके जोड़ने के दो क्रम होंगे 1/C = 1/C1+1/C2 और C = C1+C2, यानी एक क्रम श्रेणी और दूसरा क्रम समानांतर। तो संधारित्रों के संयोजन की दो विधियां होती हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन। उसमें हम आप लोग को पढ़ाएंगे समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यानी हर संधारित्र में एक धारिता होती है जो आवेश को संचित करती है, जिसका मान हम बताएंगे आप लोग को C = Q/V। यानी धारिता को बढ़ाने के लिए आवेश बढ़ा दो या तो प्लेटों के विभव को कम कर दो। तो अगर हम संधारित्र के प्लेटों के विभव को कम कर देंगे तो धारिता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि समानांतर प्लेट संधारित्र का मतलब दो प्लेट, तो प्लेटों के बीच के अगर विभव को कम करेंगे तो धारिता अपने आप बढ़ जाएगी। इसके बाद परावैद्युत पढ़ाया जाएगा। परावैद्युत का मतलब कुचालक, जितने भी कुचालक माध्यम है जैसे मोम हो गया, अभ्रक हो गया, चीनी मिट्टी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब कुचालक माध्यम है। तो जितने भी कुचालक माध्यम होते हैं उनको हम कहते हैं परावैद्युत। तो आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। भाग एक स्टार्ट हुआ तो मेरे साथ आप लोग जुड़ जाइए, अधिक से अधिक वीडियो को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यानी पूरी टीम को आप सपोर्ट कीजिए। जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही हम लोग बेटर पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और ये हम लोग का जो हो गया, आप लोग को पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को एग्जाम की हम लोग जो हो गया तैयारी एकदम ऑनलाइन करा देंगे, उसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। हम लोग आपको टेस्ट सीरीज पढ़ाएंगे, जो आपको अनसॉल्व पेपर उसको भी कराया जाएगा। बस आप सपोर्ट करिए कि वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपका पूरा वीडियो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक बार नहीं क्लियर है तो दो बार तीन बार वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना न भूलिए।
आइकन का बटन है उसको भी आप दबाइए, जिससे हमको नोटिफिकेशन बार बार आसानी से आपको मिलता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर और लाइक करना ना भूले। हाँ, तो भौतिक विज्ञान के भाग एक में हमने यूनिट फर्स्ट को डिस्कस कर दिया, 8 नंबर के लिए आएगा, यानी एक चैप्टर की वैल्यू अगर देखी जाए तो 2 नंबर। स्थिर वैद्युत की में 4 चैप्टर ये क्लियर करना है, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे एक डेरिवेशन आ सकता है। वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, इससे भी एक डेरिवेशन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैद्युत विभव, ये 2 नंबर का आ सकता है, या हो सकता है इस पे एक आंकिक प्रश्न आ जाए, या हो सकता है इस पे लघुतरी प्रश्न आ जाए। संधारित्र तथा परावैद्युत, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, और समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कब, जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत जुड़ाव। नोट कर लें।